ये बस है अपनी। तो गाइस बहुत लेट हो चुका था मैं मेट्रो से आते आते, ये 10:40 की मेरी बस थी। गैर निकलते हैं यहाँ से, बस तो खाली पड़ी है, ज़्यादा लोग नहीं है बस में। चलते हैं अब, करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। ओके गाइस मिलते हैं। केदारनाथ जा रहे हो? केदारनाथ जय श्री केदार, जय श्री केदार, बम बम भोले। तो भाई उतर चुके हैं अपनी बस से वेट हरिद्वार, अब यहाँ से देखते हैं, पकड़ते हैं अपने हरिद्वार बस स्टैंड के लिए ऑटो, चलते हैं फिर। तो भाई फिलहाल ये ढाबा आया, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं यहाँ पे, चलते हैं अंदर। तो भाई ये चाय मंगाई है कुछ इस तरह। तो ये है बस स्टैंड हरिद्वार का, यहाँ पे आपको बस मिलेगी सारी, बद्रीनाथ बरेली। तो अभी मैं यहाँ पे बस स्टैंड के सामने, यहाँ पे है रेलवे स्टेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से सोच रहा हूँ हर की पौड़ी जाऊँ। हर की पौड़ी क्या रुपए? क्या रुपए? ये देख लो हरिद्वार है, चलते हैं हर की पौड़ी। चलो जी चलो, बैठ गए रिक्शे में भैया, टोपा लगा लिया, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, आप लोग भी आए। वैसे तो केदारनाथ मंदिर बंद होने वाला है, दिवाली के 2 दिन बाद बंद हो जाता है। अगर आप लोग अभी आए कुछ दिन बाद, तो अपने भैया टोपा वोपा सही सेफ्टी से आए अपनी। यहाँ का देखो कुछ इस तरह का हो रहा है, चलते हैं यहाँ से हर की पौड़ी, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, अपने भोले बाबा से बात करेंगे, उसके बाद फिर अपने 5:15 की बस है कर लेते हो वहाँ से, फिर आते हैं वापिस इधर ही, बस स्टैंड है वहाँ से अपनी बस है उसमें बैठेंगे। सजावट हो रही है गाइस यहाँ पे, दिवाली के लिए हो रही है चाचा, दिवाली के लिए, दिवाली के लिए। तो जी पहुंच गए हर की पौड़ी, ये रहे हमारे चाचा जी, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। तो गाइस करो दर्शन हमारी गंगे माँ के, पिछली बार जब आया था देखा होगा आपने व्लॉग में हरिद्वार वाले में, यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, ये पूरा भरा हुआ था ब्रिज। अब तो खैर यहाँ पे जाम लगा हुआ है, ज़्यादा पानी है नहीं है, बीच बीच में ये बस पानी सूखी हुई है इस टाइम। तो ये हरिद्वार का चोटी वाला, ऋषिकेश में भी एक गेरा। तो लो जी हर की पौड़ी। तो गाइस ये बोतल लिए, थोड़ा पानी लेके चलेंगे बाबा केदार के लिए, थोड़ा अगर वहाँ पे पॉसिबल हो तो अभिषेक कर पाए, चलते हैं बाकी करते हैं अपनी गंगा माँ को स्पर्श। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो गाइस ठंड बहुत है तो इसलिए दस्ताने लिए हैं, बहुत महंगे दिए हैं, अरे इनसे फ़ोन वोन चल नहीं रहा था इसलिए फाड़ना पड़ा मुझे चलाने के लिए फ़ोन। अब चलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं अपने वहीं पे जहाँ पे बस है। तो भाई आ गए भाग भाग के अपनी बस में, ये अपनी बस, यहाँ तो ऐसी बस चलती है फिलहाल नॉर्मल है। तो भाई ये रेनकोट लिया है एमरजेंसी के लिए, वहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ रही है, साथ लेके रखे ज़रूर। दिन निकलना स्टार्ट हो चुका है, लो जी स्वागत है आपका फिर से योगनगरी ऋषिकेश। लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ तो बहुत गंदी गंदी, देखना ओम नमः शिवाय तेरे हाथ में ये सब। गाइस ऋषिकेश में लैंडस्लाइड हो रही है बहुत ज़्यादा, ये देखो गाइस हमारी बस बादलों में पहुंच चुकी है,
बादलों के ऊपर चल लिए। दिख रहा सामने कुछ? तो गाइस फिलहाल यहाँ पे बस रुकी है नाश्ते के लिए, होटल वगैरह है। बाकी ये देखो व्यू। तो फिलहाल एक ढाबे के अंदर आया हूँ मैं, तो यहाँ व्यू के लिए आया हूँ। ये देखिए व्यू, यहाँ से व्यू लेते हैं। और ये मंगाए मैंने छोले, चाय और पराठे, रोटी में घर से लाया था। करते हैं इसको फिनिश, चलते हैं थोड़ा व्यू दिखाते दिखाते आपको अपने बस की तरफ, मिलते हैं। तो भाई अपना हो चुका खाना पीना, ये अपनी बस है। इस बार यहाँ पे ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। इतने खतरनाक मंजर देखने को मिल रहे हैं ना, इतने खतरनाक सीन देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ ऐसे गिर रहे हैं मतलब बहुत बुरी तरीके से, पीछे देखा हो आपने वीडियो में, बहुत बुरी तरीके से। मतलब ये है कोई कमज़ोर दिल का अगर देखे तो दिल दहल जाए डर के मारे। खैर कोई नहीं, भोले बाबा ने बुलाया तो अपने आप लेके जाएंगे वो। चलते हैं हम यहाँ से, बस में बैठते हैं अपनी। पानी देख लो कितना साफ है। ये लगलंदा नदी है, वहाँ से भागीरथी नदी आ रही है, इन दोनों का संगम होता है। तो गाइस देखो नेचर यहाँ का। सोनप्रयाग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। फाइनली पहुँच गए। ये देखो चाचा का डांस। अरे तम पमसीता का। तो पहुँच चुके हैं, उतरते हैं यहाँ से, नीचे उतर के व्यू दिखाते हैं। ये है गौरीकुंड सीतापुर। तो भाई उतर गए हैं अपने सीतापुर, सोनप्रयाग से थोड़ी आ गया बस ने उतारा। अब यहाँ से चलते हैं गौरीकुंड, फिर देखते हैं स्टे करेंगे नहीं तो। अभी टाइम है अपना 1:30 बज रहे हैं, या तो अभी स्टार्ट करेंगे अपनी चढ़ाई, जैसे भी आपको बताऊँगा। फिलहाल यहाँ का वो देखो देखो हेलीकॉप्टर हो रहा। ये भाई पार्टनर मिल चुके हैं। हाय पार्टनर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। हेलो पवन कुमार, ये गौरीकुंड जाएगी? अब करते हैं पता शेयरिंग वगैरह, चलते हैं गौरीकुंड। तो भाई यहाँ पे रास्ते से थोड़ी दूर पे आके ये पड़ता है, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ज़रूरी करवाना होता है, यहाँ पे भी आके करा सकते हैं। और जो ऑनलाइन करवाते हैं वो भी यहाँ पे वेरीफिकेशन होगा। अब चलते हैं अंदर, करवाते हैं वेरीफिकेशन, फिर करते हैं अपनी चढ़ाई स्टार्ट। ओके, तो लग चुके हैं लाइन में वेरीफिकेशन के लिए, करवाते हैं वेरीफिकेशन फिर करते हैं अपनी चढ़ाई स्टार्ट। तो गाइस मेरे को ज़्यादा टाइम लगा नहीं, क्योंकि मेरा पहले से मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखा था ऑनलाइन, तो बस उन्होंने बार कोड स्कैन करा और बस हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखो भीड़ लगी हुई है, जो लोग करके नहीं आए वो यहाँ पे करवाएंगे अपना, उसके बाद उन्हें बार कोड मिलेगा। एक स्ट्रिप टाइप में मिलता है पर्ची सी, स्लिप टाइप लंबी सी वो मिलती है, फिर उसके बाद उन्हें एंट्री मिलती है। यहाँ से करते हैं स्टार्ट गौरीकुंड पहुँच के। अब एक पार्टनर मिले थे, वो बनवा करवा रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन, उनके आने के बाद चलते हैं करेंगे अपनी चढ़ाई स्टार्ट। और फिलहाल हमें ये मिला है, चलते हैं हम नीचे, नीचे से आपको दिखाते हैं। क्या डर लग रहा जलाशय। तो ये देखो गाइस, लाठी ले लिया अपने लिए दोनों भाइयों ने, चलते हैं अब करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। बम बम बोले हर हर महादेव। ये देखो गाइस ग्लेशियर, वो जो चमक रहा पीछे। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। बम बम बोले हर हर महादेव। तो भाई गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिल चुकी है, जीप, चलते हैं यहाँ से हर हर महादेव।
तो गाइस उतर चुके थे हम अपनी टैक्सी से, क्योंकि आगे लग रहा है जाम, तो पैदल ही करेंगे। आगे से स्टार्ट है ट्रैक। समोसे 50 के दो, ब्रेड 50 के दो, पकौड़ी 60 की प्लेट, 20 की चाय। बताओ क्या लेना। तो ये पकौड़ी मंगाई है, चाय है। अब करें यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट। 4 बजे तक होती है लास्ट ट्रैकिंग। अब हम 3 बज रहे हैं, अब करते हैं ट्रैकिंग स्टार्ट यहाँ से। खाने के बाद मिलते हैं। तो लो जी, केदारनाथ धाम की ट्रैकिंग स्टार्ट यहाँ से होती है। हर हर महादेव। तो ये है लास्ट एंट्री पॉइंट। 4 बजे क्लोज हो जाता है एकदम। हम पहुँच गए पहले, चलते हैं। आप ये देखो झरना, नेचुरल ब्यूटी। चलो इसका पानी चेक करते हैं पीके कैसा है। तो ये वहाँ से लंबा है थोड़ा, तो पाइप लगा रखा है, इसे पी के देखते हैं। पानी बढ़िया है, बढ़ते हैं बोतल में। चलो जी, बोतल भर गई हमारी, चेक करते हैं पानी। पानी बढ़िया है एकदम। यहाँ पे पानी का कोई पैसा वेस्ट मत करना, बोतलें बहुत महंगी मिलती है अपने इसी में ही। ऐसे बहुत झरने बहते हैं, इसे पानी भर लो, बहुत है। मिलते हैं आगे। तो गाइस जंगल चट्टी पहुँच चुका हूँ। नज़ारा कुछ इस तरह, बारिश पड़ रही है हल्की हल्की। तो गाइस यहाँ पे रुका हुआ हूँ नाश्ते के लिए। कुछ ये लिया है फिलहाल, ये पीछे ये झरना बह रहा है और सामने व्यू। व्यू को देखते हुए अपने लेते हैं चाय के मजे। तो गाइस अपना नाश्ता वगैरह फिनिश हो चुका है, अब जाके थोड़ी एनर्जी से आई। अब करते हैं जगह को बाय बाय, चलते हैं। अभी मंदिर यहाँ से बहुत दूर है, चलते हैं। और अंधेरा भी होने लगा है, तो वीडियो वगैरह नहीं बना पाऊँगा क्योंकि कुछ देख नहीं पाओगे आप लोग, इसलिए अब मंदिर पहुँचता हूँ। जितने भी टाइम पहुँचूँगा वो मैं आपको बता दूँगा, और व्यू मैं आपको सुबह दिखाऊँगा जब वहाँ से वापसी करूँगा ना मंदिर से, तब आपको व्यू दिखाऊँगा। मिलते हैं सीधा मंदिर में, इतने बाय बाय। तो गाइस ट्रैक करते करते 10 बजने वाले हैं, 2 बजे स्टार्ट करा था। ज्यादा है गाइस, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। अब खाने पीने को मिलता था कुछ, खाने के लिए वीडियो में कुछ दिखेगा नहीं। अंधेरा हो रहा है सारे, यहाँ 4 किलोमीटर रह रहा है, वही 1-2 घंटे में पहुंचूंगा। फिलहाल अपने देखा हूँ यहाँ ढाबे में पराठा मंगाया है, इसमें विदाउट लहसुन प्याज का है ना। ट्यूजडे लहसुन प्याज खाता नहीं हूँ, ट्यूजडे सैटरडे। अब करते हैं फिनिश, चलते हैं फिर उस टाइम में बाबा के धाम। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ मंदिर के पास। अब वहाँ यहाँ ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ रेस्ट करने के लिए ये टेंट लिया है। 2 बंदों का टेंट है। वो जो साथ में एक पार्टनर था उसे बोलिए आने के लिए, अब आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अकेले ही मेरे को यहाँ सोना पड़ेगा। उसके बाद 5 बजे मंदिर खुलेगा, उसके बाद चलेंगे फिर अपने बाबा के दर्शन करने। मंदिर के पास में ही है टेंट, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मेरा जाए बजाए भी फुल है, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। चलो करता हूँ रेस्ट। तो गाइस बाय बाय, गुड नाइट। मैं जा रहा हूँ अब सोने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। कल आपको सारी चीज़ बताऊँगा आज का दिन कैसा गया कैसा नहीं, इसलिए गुड नाइट, स्लीप टाइट। जय श्री केदार। तो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार। तो गाइस अपनी कच्ची पक्की नींद लेके उठ चुका हूँ मैं, शिकल से पता ही लग रहा होगा कितनी बढ़िया नींद ली है। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 6 बजे का सुबह के, अभी भी तारे निकले हुए हैं, मतलब वही अंधेरा हो रहा है। रात हो भाई आया नहीं, तो यहाँ अकेले ही पड़ा हुआ हूँ मैं पूरे टेंट में। नींद आई नहीं क्योंकि पीछे झरना चल रहा है, झरने के सामने टेंट लगा हुआ है। तो खैर कोई नहीं, अब उठूँगा थोड़ा धूप वगैरह से हो जाए, क्योंकि ठंडी की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फिर चलता हूँ मैं, निकलता हूँ पहले यहाँ से, निकल के आपको वेदर दिखाऊँगा। वेदर दिखाने के बाद फिर थोड़ी सी दूर रह गया मंदिर, अब 300-400 मीटर, फिर चल के अपने रेडी वेडी होके नहा धो के करते हैं अपने भोले बाबा के दर्शन, और दिल को सुकून पाते हैं। एक इसी चीज़ के लिए तो आए हम यहाँ, और वो ही नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा। तो बोलो जय श्री केदार। मिलते हैं गाइस। ओके, पैकिंग वगैरह हो गई अपनी,
चलते हैं यहाँ से, अपना टेंट खोलते हैं, इसे दिखाता हूँ। ग्लेशियर, चलते हैं बाहर। बाहर निकलते कुछ ऐसा व्यू। काल भैरव टेम्पल दिख रहे होंगे झंडे। चलते हैं अपने, घूम फिर गए, बहुत लेट आए हैं तो अपने फ्रेश फ्रेश हो लिया, नहा धो लिया, अब चलते हैं यहाँ से मंदिर की तरफ, करते हैं आगमन। मंदिर उधर की तरफ है, चलते हैं फिर वहाँ पे, अब करते हैं यात्रा समाप्त और जाके अपने बाबा केदार के दर्शन करते हैं। जय श्री केदार, जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री राम। बोल रहे थे कि प्रसाद कहाँ से लेंगे? आगे से लेंगे प्रसाद। तो भाई पूरी रात तो हमारी ऐसी गई यहाँ पे, और अब जाके ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हम स्वर्ग में आ गए हूँ। यहाँ की जो देखने में है ना वर्चुअलिटी, वो अपनी आंखों से देखने में है, फोन वोन क्या दिखा पाएगा, पर फिर भी जितना हो पाएगा उतना दिखाऊंगा। ग्लेशियर वगैरह बहुत, चलते हैं यहाँ से। ग्लेशियर बहुत अच्छे लग रहे हैं, वहाँ काल भैरव टेम्पल है, उधर से चढ़ाई होती है उसकी। चलते हैं पहले बाबा केदार के दर्शन करेंगे, उसके बाद चलेंगे। ये बाकी शॉप वगैरह। तो गाइस अस्पताल और गेस्ट हाउस का निर्माण चल रहा है, ठीक मेरे पीछे इधर जहाँ मैंने स्टे ले रखा था। तो गाइस ये वो कुंड है जहाँ भोले बाबा का नाम लिया जाता है तो बुलबुले उठते हैं। दिखाते हैं बाबा का चमत्कार। ये वो कुंड, बाबा का नाम लेने से बुलबुले उठते हैं। इस तरीके का ज्योति लिंग है कुछ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो उठे बुलबुले, देव हरारा महादेव दिखे। अब यहाँ से रास्ता बना रखा है, चलते हैं यहाँ से। तो ये है मंदाकिनी रिवर, उस तरफ मेरा टेंट था उधर। तो गाइस फाइनली हमें वो दिखा जिसके लिए हम आए थे। दूर बोलो जय श्री केदार। गाइस क्राउड है आज भी, भीड़ लग रही है मंदिर के बाहर। देखते हैं लाइन कहाँ से स्टार्ट है, उसके बाद लगेंगे लाइन में। अब तो बस बाबा को देख के ऐसा लग रहा है सारी थकान उतर गई सारी। तो ये हो गया अपना प्रसाद, अब चलते हैं बाबा के द्वारे। तो लो भाई दर्शन करो, जय श्री केदार। ज्यादा भीड़ है नहीं, दो ढाई घंटे तो लगेंगे दर्शन करने में। चलते हैं करते हैं बाबा के दर्शन, लगते हैं लाइन में जल्दी जाके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय जय सरिता तेरा जय हुहा 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 जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री केदार। चलते हैं थोड़ी देर में करते हैं दर्शन अंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाइयों आ गए हैं बिल्कुल मंदिर के पास, ये रहा अपना मंदिर, जय श्री केदार। तो गाइस मौसम बदल चुका है एकदम, स्नोफॉल भी स्टार्ट होगी हल्की हल्की, अभी जब तेज होगी तो दिखाऊंगा आपको।
गाइस जय श्री केदार, हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी उतने अच्छे दर्शन हुए। जो बात है, गर्भगृह खुला हुआ नहीं होता, पर इस बार मुझे खुला हुआ मिला। बहुत धन्य हो गया मैं तो, आके आंखें भी लाल हो रही है रोने के चक्कर में। बहुत दिल को सुकून मिला यहाँ, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल चालू हो चुकी है, ऐसे दिख नहीं रही, दिखाऊंगा आपको। हल्की हल्की हो रही है, अभी तो मौसम हो चुका है बहुत तेज। चलते हैं यहाँ से मैं भीमशिला की तरफ, जो यहाँ से पीछे की तरफ ही है, पूरा दिख रहा होगा। फिर वहाँ से अपने काल भैरव की यात्रा करके मिलते हैं। ये भीमशिला, भीमशिला 2013 के वक्त जो आपदा आई थी, तो ये इसी भीमशिला ने मंदिर के पीछे आके मंदिर की रक्षा करी थी। वैसे ये बाल भी फिट किया गया है, दिख रही होगी विष्णु फॉल होती है। मौसम एकदम से खराब हो गया, पहाड़ तो दिखने ही बंद हो गए। तो गाइस ठंड बहुत है, तो बाबा ने यहाँ पे कंबल ही फूंक मारा। जय श्री केदार, आज गर्भगृह गर्भगृह खोल दिया था है। तो उधर मिलेगा अमृत जल, अमृत जल यहाँ पे डांस चल रहा है। Here I come. ये क्या है? यार क्या आसान होता है, नेपाली गाने मेरी समझ से तो बाहर है। मैं यहाँ तक नहीं सकती है, ये डांस करने में मजा आता है। ये मुहैया खाने के लिए मैगी, कल तो खा ही नहीं पाया था क्योंकि मंगलवार था। अब पहाड़ों का व्यू लेके खाते हैं, इसे फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर, करते हैं अपने बाबा का ट्रैक। उधर पे ये ट्रैक हो रहा, खा पी के मैगी चल चुके हैं, चलते हैं काल भैरव की चढ़ाई करने के लिए जो यहाँ सामने ऊपर। चलते हैं, दिखाता हूँ, अभी दर्शन कराता हूँ आपके। ओके, ये ट्रैक है, चढ़ के वहाँ जाएगा, चलते हैं वहाँ से ट्रैकिंग करते हुए। चढ़ाई से पहले भंडारा होता है, चलते हैं पहले चढ़ाई करेंगे, उसके बाद भंडारा भी चखेंगे थोड़ा। फिलहाल व्यू देखो, तो ट्रैकिंग स्टार्ट है अपनी, व्यू देखो। तो ट्रैकिंग चालू है अभी, और अपने काल भैरव जी, मौसम खुलने लगा है, धूप हो गई। अब वो ग्लेशियर था वो तो ढक गया था पूरा, धुंध की वजह से बर्फ पड़ी थी ना हल्की हल्की। चलते हैं बाबा के पास, करते हैं दर्शन, करवाते हैं आपको भी। आ गए अपने काल भैरव मंदिर, ये वही काल भैरव जो केदार धाम की रक्षा करते हैं। चलते हैं वहीं से दर्शन करते हैं पास से। तो ये काल भैरव जी के दर्शन भी, चलते हैं अब यहाँ से नीचे की तरफ, उसके बाद फिर मंदिर को अपने बाय बाय बोल के लास्ट बाबा के दर्शन करके करते अपनी नीचे की यात्रा शुरू, पहुँचते हैं नीचे फिर। तो गाइस अपने हो चुके हैं फ्री, अब लास्ट बार कर लो बाबा केदार के दर्शन, उसके बाद करते हैं नीचे का प्रस्थान। बोलो जय श्री केदार।